तो देखो, हमने ये पढ़ लिया है कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है। तो ग्राफ देख लेते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में किस टाइप से बनता है। तो ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या स्टोकिंग वोल्टेज है ये। तो देखो होगा क्या, जैसे इस पर लाइट आना स्टार्ट करेगी तो जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तब तक तो इसमें से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। फिर जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे जिससे काइनेटिक एनर्जी भी उनकी इंक्रीज होने लगेगी। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। तो देखो यहाँ से इस ग्राफ से समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। बट ये ग्राफ ऐसे नहीं बना, ध्यान रखें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बनने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी कुछ भी की तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन हमें पता है कि जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे मतलब उनके पास कोई एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। क्लियर है? तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है, काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज भी ले सकते हो आप इधर, और फ्रीक्वेंसी में। क्लियर है? तो ये था ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।